इतनी वीडियो बना दी, ब्रीजा बहुत दिखा दी, 20 इंची बहुत दिखा दी, पर ऐसे 20 इंची नहीं दिखाए, बहुत ही डिसेंट। पहले तो बूफर चेक करो अपने दो पाइनर की चैंपियन सीरीज, डबल कोइल है सिंगल है? डबल कोइल। आगे से भी और पीछे से भी, भाई लिफ्ट कराई हुई है प्रॉपर। ਰੇਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गया और मस्त हो। जैसे आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, तो गाड़ी खड़ी है इधर, तो भाई लाइट ना कम थी, मतलब बाहर की जो रोशनी सब चली गई, रात हो चुकी है, तो हेडलाइट ऑन है। गाड़ी देखोगे मजा आ जाएगा, एक नंबर सब चीज रहने वाली है। भाई का इंस्टाग्राम नीचे मिल जाएगा, अपना व्लॉगिंग चैनल वो भी नीचे मिल जाएगा, अपना इंस्टाग्राम वो भी नीचे मिल जाएगा, और यूजर नेम स्क्रीन पर आ ही रहे होंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो गाइस, आज की वीडियो हमारे साथ है वैभव भाई। तो भाई कैसे हो? सब बढ़िया भाई। भाई एक तो बंदा बहुत ही ज्यादा लेट आया है और रात हो चुकी है, इसलिए कह दिया मैंने भाई सिनेमैटिक होंगे थोड़े कम, क्योंकि लाइट चली गई है, मतलब कि सूरज चला गया है, तो भाई सिनेमैटिक में मज़ा नहीं आता इतना। तो भाई की आज हम ब्रीजा दिखाने वाले हैं, और सच्ची बताऊं ऐसे अलोवेबल मैंने ब्रीजा में भाई आज तक नहीं दिखाई। इतनी वीडियो बना दी, ब्रीजा बहुत दिखा दी, 20 इंची बहुत दिखा दी, पर ऐसे 20 इंची नहीं दिखाए। सच्ची बताने वाले वैभव भाई की दूसरा रिव्यू रहने वाला है अपनी कार का, है ना? दूसरी बार है। अब ये बता दो मॉडल कौन सा अपनी भाई, जनता अपनी जो फैमिली है ना वो बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, पहले से तो बहुत ज्यादा। 2021 मॉडल है, नवंबर का, एक साल हो चुका है इस गाड़ी को। एक साल हो चुका है भाई, ये देख रहे हो ऐसी लग रही है जैसे अभी कुछ 2-3 महीने पहले आई हो। अभी तो भाई दिन नहीं निकल रहे, तो दिन में देखोगे ना, और अपनी जो मैं नेकेड आई से देख रहा हूँ भाई, बहुत ही अल्टीमेट लग रही है। कभी जिस बंदों ने भाई देखी होगी, भाई के आसपास वालों ने, उनको पता होगी कि क्या सिस्टम है भाई का, क्या हिसाब किताब है, ऐसी है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना? तो सब चीज बताएंगे, भाई ने ऐसे बता दिया मॉडल वगैरह। तो वेरियंट वीएक्स आई वेरियंट है, कोई बेस वगैरह नहीं है। फ्रंट से स्टार्टिंग करूँ तो भाई ये देखो, हेडलाइट आपको बताया, इसमें डबल प्रोजेक्टर वाली आती है, नीचे अपने भाई आईपीएच लगेगा। तो एलईडी है, एचआईडी है, क्या लगा हुआ है इसमें? एलईडी लगवा रखी है। कितने वोट? 160 वोट है। 160 वोट, और ऊपर भी चेंज है? ऊपर तो चेंज नहीं होती, इसमें हो नहीं सकती कुछ भी, ऊपर चेंज नहीं हो सकती। और ये दिखाऊं, फ्रंट ऐसा है, मतलब ये नहीं कुछ भाई ओवर करवा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल डिसेंट लुक आ रही है बाहर से, और कुछ चेंज नहीं है आगे से, ना बस और कुछ चेंज। नंबर प्लेट छोटी करवा दी, कैमरे में क्या दोष? ओहो भाई, ये रीजन है। तो भाई देखो, जेड ब्लैक कराई है, रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी अपने चैनल पर, आपको बताइए। पीछे की लुक दिखाऊं तो ये देखो, रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं भाई, क्वेश्चन बताओ रिफ्लेक्टर की? ये तो अपनी 600-700 रुपए के हुई है, 700 रुपए के। ये नीचे गार्ड भी लगवा रखा है की? ये नीचे गार्ड और पेंटेड है वो। अच्छा अच्छा, तो भाई पुराने वाले रिव्यू में बताया था। तो भाई ये क्या कोस्टिंग थी इसकी? इसकी 2,500-3,000 रुपए पड़ी थी, 2,500-3,000 रुपए। और सबसे मेन चीज भाई, मेरे को तो इसका ही वेट है, अलॉय व्हील का। प्रोफाइल क्या लिख रही है भाई इसकी? भाई प्रोफाइल तो शायद मिट गई है भाई इसकी, या अपनी स्टिकरिंग के नीचे है भाई। स्टिकरिंग के नीचे, वैसे मुझे पता है इसकी प्रोफाइल। बताओ बताओ बताओ, इसकी है 255 35। हाँ, बीस। तो भाई 20 इंची की अपने अलॉय व्हील है, अल्टीमेट लुक आ रही है, ब्लैक का कॉम्बिनेशन अपना। और भाई ना ये देखो भाई, इतना गैप है, अगर दिखाया जाए तो भाई डेढ़ गैप तो बहुत है। उठवा रखी है चारों, मतलब कि आगे से भी और पीछे से भी, भाई लिफ्ट कराई हुई है प्रॉपर। तो भाई कुछ बबलिंग या कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा हो? 20 इंची पे दिक्कत है, पहले 18 थे उन पे इतनी नहीं थी, 20 पे 100-120 पार जाती तो गाड़ी का स्टीयरिंग। और जैसे लिफ्ट में, जैसे लिफ्ट कर रहे तो बॉडी रोल है क्या कुछ ऐसा? नहीं कुछ? बॉडी रोल नहीं जैसे है, कटिंग वटिंग मारने में रेस ड्राइविंग, तो मेरे को लगता है भाई की सिकल देख के करते नहीं है, करते भाई कभी कभार हो जाती है, कभी कभार हो जाती है, रात के टाइम ही, रात के टाइम होती है वो, है ना? और वो गाड़ी रात में निकलती है, रात में, और तो समझ सकते हो वो रोज ही होती है वो तो टाइमिंग वाली बात है। हाँ, वो जब सिस्टम बैठ जाए तो वो वाली। तो भाई ये बता दो कितना पैसा लग गया अलॉय व्हील और टायर में? ये 20 तो दूसरी बार डलवाए, पहले 20 थे सिल्वर। ओए पैसा 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 हो तो भाई जैसा हो, तो उनमें मजा नहीं आया। हाँ। उनमें टायर थोड़ा वही इनका होता है, साइड का विड्थ का सीन होता है, वो होते 8.5 जे, ये 10 जे, ये 10 जे है। हाँ, तो इससे और चौड़ा है ना, इससे और चौड़ा टायर वही है, मगर इसमें अलॉय बहुत चौड़ा लगता है। तो ये ट्रायंगल का टायर है अपना, है ना? ट्रायंगल के टायर है, ट्रायंगल के टायर है, और ये अपना अलॉय व्हील है। तो भाई क्या सिस्टम पड़ा था? सिस्टम ऐसे पड़ा था,
पूरा अलग अलग के साथ आप मान के चलो 96 के आसपास था, 96 के आसपास का भाई पड़ा है ये। तो भाई और भी डिजाइन अपने बहुत सारे आते हैं, तो भाई ये क्या कुछ यूनिक लगा है क्या? मैं तीन बार चेंज करे, तीनों बार स्टार, स्टार के अलावा मुझे समझ नहीं आता। अभी ये देखो इवन जो जो मतलब अभी हमारे दोस्त भी हैं, आप देखोगे उनके भी रिव्यू, तो उन्होंने भी मतलब सब चेंज करके सब स्टार पे ही आ रहे हैं, क्योंकि आज से बहुत पहले से स्टार आ रहा है और स्टार चल ही रहा है, और कभी आउट भी नहीं हुआ कि ऐसा फैशन से आउट हो गया। रीसेल अच्छी रहती है, 2-4 हज़ार रुपए में सब महंगा जाता है, अच्छा रहता है, रिस्पांस सही लगता है मुझे स्टार का। तो भाई ये देखो इजी टू मेंटेन है और क्लीन है भाई। और बताओ तो भाई, अब ये बताओ एवरेज वगैरह क्या निकाल रही है गाड़ी? एवरेज सब खत्म ही है, नहीं दे रही 7-8 मैक्स 8 तो मैक्स है, हाईवे पे 10 बस 10 तक जाती है। तो भाई ये देखो भाई ने ना वो पाल रखा शेर भाई, इसका वो नाम क्या है? डिमोन। तो भाई एक बार अंदर आओ, डिमोन के अंदर बैठ के दिखाते हैं। अंदर नहीं, पहले मैं डिग्गी दिखाओ भाई, डिग्गी दिखाऊं बहुत ही डिसेंट। पहले तो बूफर चेक करो अपने दो पायनियर की चैंपियन सीरीज, डबल कोयल है, सिंगल है? डबल कोयल है, D4 है 1600 वाट, D4 12-12 और 4 ओवल हो गए अपने 650-600 वाट के ओवल ईच। हां भाई वाह, अंदर आ जाओ और अंदर से दिखाऊं तो भाई ये देखो अंदर से लुक कुछ इस तरीके की है। आपको मिल जाएगी आगे हाइपरसोनिक की मिड, मेन मैं इसको सुनने आया हूं और आपको सब चीज सुनाएंगे। और ये बताओ भाई डोर में क्या क्या लगा हुआ है? डोर में आपका चारों इनमें लगे हुए रेफरेंस लगे हुए, यहाँ तो रेफरेंस है, आगे ये दोनों लगे हाइपरसोनिक की मिड हो गई। तो मिड की क्या कॉस्टिंग वगैरह थी अपनी? मिड की कॉस्टिंग 3500 ग्राउंड थी कुछ। और पीछे बूफर की? वूफर मतलब सिस्टम में अगर टोटल बात करें तो टोटल तो जा लिया इसमें, कि अगर दो बार जैसे अपग्रेड हो चुका है तो इसकी कॉस्टिंग लगाओगे तो आप नियर अबाउट 55 से 60 हज़ार रुपए की। 55 से 60 हज़ार। एम कितने लग रहे अपनी गाड़ी में? 3 एम्प हो गए। कौन कौन से बता दो भाई? 2 4 चैनल है, एक मोनो है। मोनो कौन सी कंपनी का है? मोको, अपना मोको बेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है एकदम बिल्कुल। तो भाई मजा आ जाएगा आपको ना, आउटपुट वगैरह सुनाते पहले आप रूफ देखो, रूफ चेक करो क्या कॉस्टिंग पड़ गई भाई रूफ की? रूफ की 6000 रुपए भाई। ये देखो मतलब ऐसा लग रहा भाई किसी घर में अलग तरीके वाला सिस्टम करवा रहा भाई ने, रूफ वगैरह सब चेंज करवा के। अब एम्बिएंट एम्बिएंट भी आ गई है। हाँ, तो ये देखो ऐप कंट्रोल है, ये ऐप कंट्रोल है। तो भाई पीछे नहीं है क्या? नहीं, मैंने आगे आगे, क्योंकि एक लेजर इधर से जॉइंट करवा दी थी इसमें। हाँ। और एक इधर से, क्योंकि आगे लाइटनिंग ज्यादा चाहिए थी। अच्छा, पीछे कोई बैठता है ही नहीं, पीछे पीछे से मतलब ही नहीं है, आगे स्टोरी बढ़िया बनेगी बस। आगे अपने से मतलब जैसे देखो ऐप कंट्रोल है। हां तो भाई ये देखो अभी मैंने फ्लैश ऑन करी हो ना, इसलिए आपको थोड़ी कम भी दिख रही हो। हाँ। पर वैसे बढ़िया विजिबिलिटी बिल्कुल ओके है। तो आपको ना भाई आउटपुट सुनाते हैं अब। तो भाई ईयरफोन वगैरह लगा लेना, मजा आ जाएगा एक नंबर वाला। तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब। सुन ली होगी, ईयरफोन्स लगाना ना मजा आ जाएगा। आगे मिड लग रही है, अपने अगर स्पीकर की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बूफर मिला के 12, बूफर हटा के 10। कैसे गिने? कम गिने। अच्छा और भी है क्या कहीं पे भाई? 1 2 3 4। हाँ चार चार आगे। अरे मैं मिड के साथ ट्विटर के अंदर। अरे हाँ ठीक है। 4 4 कितने हो गए? 4 4 8 8 4 12 भाई वाह भाई वाह, मतलब दो हम मिस कर गए। तो भाई हमने दिखा दी सब चीज, बता दो पैसा कितना लगा दिया, सिस्टम में कितना है? सिस्टम में पुराने वाले के मैंने बताया ना, मतलब अगर अब के फिर के उसे मिला के अपग्रेड करें ना, तो जैसे गेट के तो वही थे। हाँ। ठीक है, मोको अपग्रेड कराया वैसे अपग्रेड कराया, तो इसमें आपका खर्चा अब करंट की बता दो, छोड़ो पिछली बात रात गई बात गई, 55-60 के लपेट में सिस्टम का है, 96 लगाए थे, तो मोटा मोटा पूरी गाड़ी में आपके जो इन्वेस्ट कराया, क्योंकि 4 रूट्स भी लगवाई इसमें, मतलब काफी सारी चीजें करवाई। भाई का एक्सपीरियंस हो गया, अब देखो अपना भी टोटल बता दें कितना, मेरे पूछने से पहले बता दो कितना। 2 फिर से लग गए, मतलब 2 लाख। हाँ और टोटल लगा दे तो पिछला भी लगा के
2-3 हजार रुपए के खर्चा आ जाता है। हमारे भाई की दुकान है, तो भाई जाके बिल्कुल जो जिसको भी जाना वहाँ जाओ, वहाँ चले जाओ भाई, ठीक है। तो भाई का नाम लोग हमारा हमारे से बात करा तो खैर वो हमें जानते नहीं इतने अच्छे से। तो भाई आपका सब चीज हमने दिखा दिया है, भाई का इंस्टाग्राम नीचे मिल जाएगा, अपना डेली व्लॉगिंग चैनल नीचे मिल जाएगा, जाके दोनों पे सब्सक्राइब कर लो, मतलब इंस्टा पे फॉलो कर लो और अपने चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो सब चीज दिखा दिया, अगर यहाँ तक वीडियो देख लो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। We'll be right back.